हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसी टेक चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने आईफोन में वर्ड का डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है अपने ऐप स्टोर पे आपके आईफोन में, और डाउन राइट कॉर्नर में आपके सामने सर्च का आइकन शो रहा होगा। सिंपल आपको इसके ऊपर टैप करना है। टॉप पे आपको सर्च बार दिख रही होगी, सिंपल आपको यहाँ पे आके टाइप करना है, और यहाँ पे आके टैप करने के बाद टाइप करना है आपको वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे आप लोग यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप करते हो तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एमएस वर्ड का ऑप्शन आ जाता है। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपके पेड टूल में काम करती है, लेकिन अगर आपके पास पेड नहीं है इसका तो आपको यहाँ से बैक करना है, और बैक करने के बाद आपको टॉप पर टाइप करना है गूगल डॉक्स। सिंपल आप लोगों को यहाँ पर गूगल डॉक्स टाइप करने के बाद सर्च के आइकन के ऊपर टैप करना है, और गूगल डॉक्स की एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरीके की दिख रही होगी। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको होम बटन प्रेस करना है और अपनी गूगल डॉक्स की एप्लीकेशन को ओपन करना है, और यहाँ से इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। सिंपल आपको यहाँ से इसको स्किप करते जाना है, एंड देन यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। लेफ्ट डाउन कॉर्नर में आपके पास साइन इन का ऑप्शन है। सिंपल आपको साइन इन के ऊपर टैप करना है। आपको अपने अकाउंट के साथ, जो भी आपके पास अकाउंट है, उससे यहाँ पे साइन इन कर लीजिए। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके सारे वर्ड के डॉक्यूमेंट आ गए हैं। सिंपल आप भी जो भी अपना डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाहते हो वो सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।